गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ग्रामर चैप्टर 13। तो ग्रामर का चैप्टर 13 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ब्स। तो वर्ब्स के बारे में हम पहले भी जानते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब्स वो एक्शन होते हैं जो नाउन के द्वारा किए जाते हैं। रीड द सेंटेंसेस। वरुण इज टॉकिंग टू सौम्या। यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है? इज टॉकिंग यानी बात करने का। आई डू माई वर्क एवरी डे। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? करने का। क्या करने का? माई वर्क एवरी डे यानी मैं रोजाना अपना काम करता हूँ। हियर द वर्ड्स इन बोल्ड टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट्स वरुण एंड आई आर डूइंग ऑर्डर्स। यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है कि वरुण और आई दोनों क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है। This means that the verbs is talking and do are doing verbs. अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर is talking और do ये दोनों जो हैं वो doing verbs हैं। Now read the sentences. अब यहाँ पे नीचे दो sentences दिए हैं, उसको देखें। Veena is an intelligent girl. Mihir was happy. Veena कैसी लड़की है? Intelligent है। और Mihir कैसा था? Mihir was happy. यहाँ पर is और was जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, देखिए। हियर वर्ड्स इन बोल्ड टेल अस अबाउट वीना एंड मिहिर। यहाँ पे जो वर्ड बोल्ड में, बोल्ड यानी जो डार्क हैं, इज और वॉज, ये मिहिर और वीना के बारे में हमें बता रहे हैं। दिस मीन्स दैट द वर्ब्स इज एंड वॉज आर बींग वर्ब्स। इसका मतलब ये है कि इज और वॉज यहाँ पर एक्शन के बारे में बता रहे हैं, मतलब वही हमारे लिए वर्ब्स हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब कुछ और सेंटेंस दिए हैं, उसको हम रीड करते हैं। द चेयर हैज़ फोर लेग्स। मीना हैड ए पिंक ड्रेस। हियर द वर्ड्स इन बोल्ड टेल अस दैट द चेयर एंड मीना पोजेस। यहाँ पर जो बोल्ड में हैज़ और हैड ये दोनों चेयर और मीना के बारे में बता रहे हैं। दिस मीन्स दैट द वर्ब्स हैज़ एंड हैड आर वर्ब्स शोइंग पोजिशन। इसमें हैज़ और हैड जो है वही वर्ब्स हैं, क्योंकि वो पोजीशन बता रहे हैं कि यानी क्या हो रहा है। अ वर्ब इज़ यूज टू डिनोट व्हाट ए पर्सन थिंग और एनिमल डज। व्हाट ए पर्सन एनिमल और थिंग इज़ और व्हाट ए पर्सन एनिमल और थिंग हैज़। यहाँ पर वर्ब क्या होता है? वर्ब वही होता है जो कि पर्सन एनिमल या थिंग क्या कर रहे हैं, पर्सन एनिमल या थिंग क्या है, पर्सन एनिमल या थिंग के पास क्या है। तो इस तरह उनके बारे में यानी नाउन के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं या क्या है उनके पास, उसके बारे में हमें बताता है वर्ब। सो ये आपकी डेफिनेशन है, आपको नोटबुक में लिखना है और पढ़ना भी है इसे। उसके आगे बढ़ते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट वर्ब्स। कुछ और जानते हैं हम वर्ब्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी ऑफ डूइंग वर्ब्स एंड सच एज ईट रीड ड्रिंक एंड सो ऑन। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि डूइंग वर्ब्स की कैटेगरी में यानी कर्ता करने वाले वर्ब्स होते हैं, जैसे कि ईट रीड ड्रिंक एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे। दिस वर्ब्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स टू इंडिकेट प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टाइम। अब ये जो वर्ड्स हैं उनको दर्शाने के लिए तीन अलग अलग तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, जैसे उसे पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में भी। तो एग्जाम्पल में देखिए बताया गया, प्रेजेंट में आई ईट, पास्ट में आई ईट एंड फ्यूचर में आई विल ईट। अब बी वर्ब्स। बी वर्ब्स का क्या फॉर्म होता है? बी वर्ब्स आर इज, आर, एम, वॉज एंड वेयर, विल बी एंड शैल बी। दिस वर्ब्स डिनोट बीइंग। अब ये सारे ही जो इतने भी वर्ड्स दिए हुए ये सब बी वर्ब्स को दर्शाने वाले हैं। प्रेजेंट में एम, इज, आर, पास्ट में वॉज, वेयर एंड फ्यूचर में विल बी, शैल बी। इस तरह से हमें समझा रहे हैं ये।